नमस्कार है, स्वागत है, वेलकम है आप सभी लोगों का एक छोटे से ब्रेक के बाद, जिस ब्रेक के बारे में आप लोगों को पता था कि मैं 20 दिनों से एक म्यूजिकल सफ़र पे था, वापस आया हूँ, तो लगा कि आप लोगों से फिर कंटिन्यू हो जाऊँ। तो आज कुछ थकावट ज़रूर है, लेकिन फिर भी बहुत ही बेहतरीन चीज़ के साथ आप लोग से मिल रहा हूँ। ये एक 3 साल का एडवांस कायदा है। एडवांस कायदा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये अगर आप बजा लेते हैं, अगर आप इस चीज़ का सही से प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो ये गारंटी मानिए कि आपके हाथ में कुछ विशेष प्रकार की क्वालिटी क्षमता, जो किसी भी चीज़ को बजाने के लिए दक्ष हो, आपका हाथ एबल हो जाए, आपका हाथ उस हिसाब का तैयार हो जाएगा जो आप किसी भी प्रकार के टेढ़े मेढ़े चीज़ को भी बजा सकते हैं। और ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीका का कायदा है। मैंने लास्ट ईयर एग्ज़ाम में, भास्कर के एग्ज़ाम में भी इसको प्ले किया था, मुझे अभी तक याद है। और कहीं भी, किसी भी बड़े मंच पे, किसी भी बड़े एग्ज़ाम में आप इसको प्ले कर सकते हैं, अन्यथा इसको आप डेली रियाज के रूप में इसको आप बजा सकते हैं हाथ को कंटिन्यू तैयार रखने के लिए। तो 3 साल का ये कायदा है। विशेष रूप से मैं अब कंटिन्यू रहूँगा लेसन के जरिए। तो और जो मैंने श्रृंखला आप लोग के साथ जो शुरू किया था, करवा 1 2 3 4 5, फिर दादरा, फिर रूपक, तो जहाँ मैं रुका था उसको मैं कंटिन्यू करूँगा। लेकिन फिलहाल ये जो मैं आज का लेसन दे रहा हूँ, पूरा वीडियो देखिएगा, मैं कायदा के साथ साथ इसका प्रस्तार और तिहाई भी बताऊँगा। इसको तो आप लाइफ टाइम आप प्रैक्टिस में शामिल करके रखिएगा। थोड़ा सा एडवांस है, कुछ चीज़ है जो आपको नज़दीक से देखना पड़ेगा कि कैसे निकाला जाए। तो पहले इस कायदा का बोल आप देख लीजिए। बोल है, धिक धीना तिरकिट धीना धागे न धिक धीनारा, तिक तीना तिरकिट तीना धागे न धिक धीनारा। ये छोटा सा बोल है, कायदा है 3 साल का। तो धिक जो आ रहा है, कहीं कहीं क के प्रयोग को ग भी कहा जाता है, धिग धीना तिरकिट धीना धागे न धिग धीनारा, तो क और ग बजना एक ही स्टाइल में है, तो लैंग्वेज में कभी कभी अंतर हो जाता है, तो उसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। पहले एक बार इसका साउंड सुन लीजिए, फिर मैं इसका बोल बताता हूँ, निकालने का तरीका बताता हूँ। पहले इसका आप दोगुन लेवे में साउंड सुनाता हूँ कि अगर आप निकालते हैं, शुरू में भी डेमो में थोड़ा सा मैं बजाया था, तो ये साउंड है, धिक धीना तिरकिट धीना धागे न धिक धीनारा, धिक धीना तिरकिट धीना धागे न धिक धीना, धिक धीना तिरकिट धीना धागे न धिक धीनारा, धिक धीना तिरकिट धीना धागे न धिक धीनारा। निकालना कैसे कैसे है, पहला जो बोल है इसका, धिक धीना, तो धी यहाँ मारना, पहले राइट हैंड देख लीजिए स्याही पे, जैसे आप धा मारते हैं यहाँ, उसी हिसाब से इस पोर्शन को आपको स्याही पे मारना है, और यहाँ इसके साथ इसको लगाना है धी, और यहाँ क या ग, जो मैंने अभी बताया था लैंग्वेज की बात है, कोई लोग कहते हैं धिक, तो धी को दबा के मारना है, ये ध्यान रखें, हल्का सा इसको पुशअप करके धी और ग को ओपन मारें, धिक धीना, धिक धीना तिरकिट धीना, सारा बंद धी लगेगा यहाँ पे, धीना, फिर से देख लें, धीग धीन, फिर से धीग धीना तिरकिट धीना, और उसके बाद है धागे न धिक धीनारा, तो धा गे न धी क धी ना रा, ना भी यहीं और रा भी यहीं। इसमें ध्यान ये रखना है कि जब जब धी का प्रयोग है तब तक डग्गा को स्लाइड करेंगे, क्योंकि जब ये चौगुन लय में बजेगा तो यही साउंड बहुत कमाल का लगता है, जब धी आगे जाता है और ग पीछे आता है, तो ये ध्यान रखें। फर्स्ट पार्ट मैंने बताया, फर्स्ट पार्ट पूरा एक साउंड के साथ सुन लीजिए, और बाएं और दाएं दोनों को ध्यान में रख के बजाना है, धिक धीना तिरकिट धीना धागे न धिक धीनारा, धिक, सेकेंड पार्ट धी, धी में इसका सपोर्ट ले सकते हैं, धिक धीना तिरकिट धीना, और फिर धागे न धिक धीनारा, ये बोल। तो दुगुन लय में इसका पूरे बोल को देख ले एक बार, धिक धीना तिरकिट धीना धागे न धिक धीनारा, धिक धीना तिरकिट धीना धागे न धिक धीनारा। धीरे धीरे फास्ट करेंगे तो साउंड पे ध्यान रखें कि बायां दायां का साउंड
एकदम जिस हिसाब से बता रहा हूँ जहाँ जो इफेक्ट आना चाहिए वो कोशिश करना। एक जगह चाटी का भी प्रयोग है ना के टाइम में, दिक दीना दिक दीना तिक दीना धागे ना दिक दीना रा दिक दीना तिक दीना दिक दीना रा। ध्यान ये रखना है इसमें धी का जो मैंने बताया स्लाइड करना ये करना है, और तिरकिट कमजोर नहीं हो इसका ध्यान रख के। अगर चौगुन लय में बजाते हैं तो साउंड कैसा आना चाहिए, अब प्रस्तार देख लीजिए। पहला प्रस्तार ये बजाइएगा, धिक धीना त्रिकिट धीना को तीन बार करना है, धिक धीना त्रिकिट धीना धिक धीना त्रिकिट धिक धीना त्रिकिट धीना धागे ना धिक धीना रा धिक धीना त्रिकिट धीना त्रिक धीना धिक धीना त्रिकिट धीना धागे ना धिक धीना रा। पहले तो अस्थाई में बोल को बढ़िया से निकाल लीजिएगा, फिर इजी हो जाएगा। तो एक प्रस्तार ये हो गया, चौगुन बजाइए तो बड़ी मजा आएगा। के लास्ट में है जैसे पूरा प्रस्ताव फिर से देख लें, धिक धीना त्रिकिट धीना धिक धीना त्रिकिट धीना धिक धीना त्रिकिट धीना धागे ना धिक धीना रा। सेकंड पार्ट में है, तिक तीना त्रिकिट धीना तिक तीना त्रिकिट धीना धिक धीना त्रिकिट धीना धागे ना धिक धीना रा। सेकंड पार्ट में लास्ट का जो वो है उसमें धिक धीना लगता है, ये ध्यान रखें। ये हो गया। अब दूसरा प्रस्ताव ये ले सकते हैं, ये लास्ट पार्ट को तीन बार करें तो ये भी एक अच्छा फ्लेवर बन जाएगा। थोड़ा सोलो में देख लें, दिक दीना दीना धागे ना दिक दीना रा धागे ना दिक दीना रा धागे ना दिक दीना दिक दीना धागे ना दिक दीना रा धागे ना दिक दीना रा धागे ना दिक दीना रा। इस हिसाब से पहले दोगुन लय में किसी भी चीज को अस्थाई और दोगुन में तैयार कर लें। जब लगे कि बेहतर तरीका से तैयार हो गया है तब चौगुन करें। जैसे इसी का चौगुन अगर हम करते हैं, इस हिसाब से तो और अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो और भी प्रस्ताव मैं इसका बना के दूंगा। प्रस्ताव बहुत सारे ढेर सारे प्रस्ताव बन सकते हैं। बहुत बार तो मैंने प्रस्ताव बनाने का तरीका भी बताया है। वो सोलो आवृत्ति आप गिन काउंट करके उसको बेहतर तरीका से आप उंगली पे गिन के आप खुद भी इस बोल के किसी पार्ट को पकड़ के उसको बार बार रोटेशन करके आप बना सकते हैं। और ऐसे कमेंट करेंगे इतना जब तैयार हो जाएगा तो नेक्स्ट प्रस्ताव भी मैं बता दूंगा आप लोगों को। तिहाई करना है, कई प्रकार का तिहाई आप लगा सकते हैं। वैसे बेदम तिहाई ज्यादा मैं बजाता हूँ इस कायदा का, जब भी मौका मिलता है बजाने का तो बेदम तिहाई का नियम आप लोग को मैंने कई बार बताया है। किसी भी कायदा में तीन बार बोल को बजाएं चौगुन लय में कंटिन्यू, और चौथा बार में फर्स्ट पार्ट को तीन बार बजा के तिहाई बन जाता है तो बेदम तिहाई, कहीं रुकने का नहीं। तो बिना दम लिए हुए जो तिहाई बजता है तो बेदम तिहाई हो जाता है। तो जैसे आप इस तिहाई को बजाएंगे तो तीन बार कंटिन्यू बोल बजाना है, जैसे उंगली पे जोड़ के अगर देखते हैं तिहाई वगैरह को बार बार उंगली पे जोड़ना चाहिए, इससे बहुत अंदाजा हो जाता है। धिक धीना त्रिकिट धीना धागे ना धिक धीना रा तिक तीना त्रिकिट तीना धागे ना धिक धीना रा धिक धीना त्रिकिट धीना धागे ना धिक धीना रा तिक तीना त्रिकिट तीना धागे ना धिक धिक धीना त्रिकिट धीना धागे ना धिक धीना रा तिक तीना त्रिकिट तीना धागे ना धिक धीना रा धिक धीना त्रिकिट धीना धा धिक धीना त्रिकिट धीना धा धिक धीना त्रिकिट धीना धा। इस हिसाब से आसानी से बजा सकते हैं, एक बार और सुन लीजिए। अच्छा, अगर चौगुन लय में पूरे बोल को प्रस्तार के साथ तिहाई के साथ अगर देखते हैं तो कैसा इफेक्ट आता है, एक बार मैं कोशिश करता हूँ कि पूरे बोल को चौगुन प्रस्तार और तिहाई के साथ देखें।
तो उम्मीद है इसका प्रैक्टिस करेंगे तब तक, और फिर मैं अपने सफ़र पे जैसे आप लोग साथ में निकले थे, तमाम गीतों को बजाने का तरीका, ताल का क्या फार्मूला है, तो कारवा सेशन में चल रहे थे, शायद लास्ट पे था, मैं देख लेता हूँ रिव्यू करके, और जहाँ मैं हम लोग रुके थे वहाँ से आगे बढ़ेंगे। ढोलक लेशन भी बहुत जल्दी शुरू होगा, तो मेरे सफ़र पर रहें, बन के रहें, आगे बढ़ते रहें, कॉमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।